हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो ठीक होंगे दोस्तों, और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में दोस्तों। तो दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में आपके छोटे भाई की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत है। और आज मौसम साफ हो गया है, खुला आसमान देख सकते हो, ऊपर नीले आसमान है। और मैं सुबह सुबह इधर आ गया हूँ भूमि आंवला लेने के लिए, क्योंकि हमारी माँ के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और पेट दर्द के लिए भूमि आंवला बहुत ही अचूक दवा है। तो इसका प्रयोग मैं एक दो बार कर लिया हूँ, तो सोचा मैं इसका ही वीडियो बना लेता हूँ आज, किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, आज पूरा बनाकर दिखाने वाला हूँ। और माँ से ही पूछेंगे कि कितना दर्द कम हुआ है, आपको पूरा वीडियो आज के जानकारी में मिलेगा। तो चलो चलते हैं। और भूमि आंवला तो नाम सुनकर आप लोग जान चुके होंगे, जो जानते हैं वो, और नहीं जानते हैं उसके लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। इधर खेत के मेड़ में ही है भूमि आंवला, उसका ही प्रयोग करने वाले हैं। और एक सिन्हा नाम का पेड़ है, उसमें उसके कोमल पत्ती को रोटी बनाकर खिलाते हैं चावल के आटे में। तो किस प्रकार से बनाते हैं सब बारी बारी से वीडियो में आज आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं, भूमि आंवला को पहले ले लेते हैं, उसके बाद जो सिन्हा का पेड़ है उसके पत्ते को ले लेंगे, और रोटी किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से इसके रस को निकालते हैं सबको मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लगता है तो हमारे लिए एक लाइक कर देना। वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलो चलते हैं, इधर आगे में है भूमि आंवला। और दोस्तों, खेत के मेड़ में ही इधर ही देखा था भूमि आंवला, ले लेता हूँ उसको, और उसके पूरे पंचांग को काढ़ा बनाएंगे। ये देख सकते हो भूमि आंवला, इसमें आंवला की भांति इसमें फल लगा हुआ है, इस प्रकार से देख सकते हो छोटे छोटे। तो इसके पूरे पंचांग को अभी कूट पीस कर इसका रस निकालेंगे, और खाली पेट लेना है इसको, तो रस भी निकाल कर बताने वाला हूँ। इसमें एक चीज़ और ऐड करना है आपको, घर में जाकर ऐड कर कर दिखाऊंगा, और इसका रस निकाल कर किस प्रकार से सेवन करते हैं वो सब वीडियो में मिल जाएगा देखने को। इस प्रकार से रहता है भूमि आंवला, आंवले के पत्ते के समान ही है, देख सकते हो इसका पत्ता, और इसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। चलो इसको धो लेते हैं, अब उसके बाद इसको रस निकालेंगे घर में जाकर। उसमें एक चीज़ और ऐड करना है आपको, घर में जाकर दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, जो रोटी बनाने के लिए जो पत्ता तोड़ने वाला था सिन्हा का पेड़ बोल रहा था, उस पेड़ के पास आ गया हूँ मैं, देख सकते हो इतना बड़ा पेड़ रहता है, और बहुत बड़ा भी पेड़ रहता है ये, लेकिन ये छोटा पेड़ है। तो इसके कोमल कोमल पत्ती को तोड़ लेता हूँ, देख सकते हो इस प्रकार कोमल पत्ती है। इसी को चटनी बना कर कूट पीस कर चटनी बना लेना है, और चावल के आटे पर इसे लगा कर रोटी बनाना है। किस प्रकार से बनाना है आप सबको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। अभी मैं बताने वाला हूँ, घर जाकर इस पत्ते को पहले तोड़ लेता हूँ मैं। चलो तोड़ लेते हैं कोमल कोमल पत्ते को। आप लोग इस पेड़ को क्या नाम से जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसे सिन्हा के नाम से जानते हैं। तो चलो तोड़ लेते हैं इस पत्ते को, उसके बाद घर चलते हैं, और घर में जाकर इसे कूट पीस कर किस प्रकार से रोटी बनाना है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। और किसी प्रकार की भी पेट की समस्या हो, बार बार आँव की समस्या हो, और बार बार बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए रामबाण औषधि बनने वाला है। आज की वीडियो पूरा देख लेना, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हो, और इसमें कोई खर्च भी नहीं लगेगा, आप सबको फ्री मिल जाता है। जंगली क्षेत्र है तो जंगली क्षेत्र से जो देख रहे हैं उसके लिए तो रामबाण औषधि है, इसका प्रयोग कई लोग करते हैं और करके भी देख चुके हैं, और इसका प्रयोग मैं कई बार भी कर चुका हूं। तो हमारी माता जी के लिए इसे लेने के लिए आया हूं, तो इसका रोटी बनाकर अभी बताने वाला हूं मैं इस पत्ते का। तो चलो बता देता हूं मैं, इसे तोड़ लेता हूं पहले। देख सकते हो इस प्रकार से कोमल पत्ता रहता है, नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ अच्छे से ताकि आप सबको पहचान मिल जाए। और इसी कोमल पत्ते को तोड़ लेते हैं, इसमें कीड़ा भी लगा रहता है, उसे साफ देखकर तोड़ना पड़ता है।
ये रोटी बनाने के लिए है, सेंधा का पत्ता बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, जो जानते हैं वो। साफ साफ पत्ते को तोड़ना है और इतना सारा हो जाएगा, छोटा सा रोटी बनाना है। दवा दवा के समान होता है, तो दवा के समान बनाना है रोटी इसका, पत्ते में बनाना है। किस प्रकार से बनाना है आप सबको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा देखें तभी जानकारी आप सबको मिल पाएगा। तो चलो चलते हैं, तोड़ लिए अब चलते हैं घर दोस्तों, घर जाकर इसको प्रयोग बताने वाला हूँ आप सबको। तोड़ लिया हूँ, देख सकते हो ये भूमि आंवला है और ये सेंधा का पत्ता, दोनों को इसको काढ़ा बनाना है, काढ़ा नहीं रस निकालना है इसका, और इसे पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर इसे रोटी बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे आप सबको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलो चलते हैं घर, और देख सकते हो दोस्तों मैं घर लेकर आ गया हूँ भूमि आंवला को, और इसमें कुटाई कर रहा हूँ ओखली पर, और इसमें कुछ और मिलाना है एक सामग्री जिसे मैं अभी मिलाने वाला हूँ। इसके पूरे पंचांग को कूट पीस लेते हैं, ये पेट दर्द के लिए रामबाण औषधि है तो, और लीवर के लिए भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है, और दांत खाज खुजली रहता है ना, तो इसके चूर्ण को लेप कर सकते हो या इसके पेस्ट को लेप कर सकते हो। तो अभी मैं इसका पूरे पंचांग का रस निकाल रहा हूँ, और इसमें ऐड करूँगा अभी सौंठ ऐड करेंगे इसमें, सौंठ देख सकते हो, अदरक है तो अदरक छोटा सा ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी सूखा वाला सौंठ है तो मैं सौंठ मिला देता हूँ छोटा सा टुकड़ा, और पेट दर्द एक ही दिन में आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों, चाहे किसी प्रकार का भी पेट दर्द हो और अल्सर की समस्या हो वो भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे कूट पीस कर पेस्ट बना लेना है, और इसे अच्छे से छान लेना है, इसको अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद देख सकते हो इस प्रकार से मैंने पूरे पंचांग को पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम छानेंगे छन्नी की मदद से, देख सकते हो इस प्रकार से छानना है और रस को निकालना है इसका, और इसके जो दरदराहट सा बच जाता है ना, जो छिलका, उसे आप खुजली है या चर्म रोग है तो उस पर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा फायदा करेगा आप सबके लिए। तो ये भूमि आंवला का रस निकाल लेता हूँ मैं छन्नी के मदद से, और इसे खाली पेट ही पीना है दोस्तों, और पेट की जो भी समस्या हो भूमि आंवला से ही ठीक हो जाता है। आप सबको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा इस प्रकार बनाकर पीने में, तो मैं बनाकर आप सबको दिखा दिया हूँ। और ये रस तो निकाल लिया मैंने इसका पूरे पंचांग का, और दोस्तों इसमें एक रोटी बनाकर दिखाने वाला हूँ मैं आप सबको। पेट दर्द है तो इस पत्ते का जो अभी तोड़कर लाया हूँ मैं खेत के साइड से, सेंधा का पेड़ बोल देते हैं हम लोग सेंधा का पेड़, उसी का कोमल कोमल पत्ती है, उसी का रोटी बनाना है आप सबको, और इसे खा सकते हो उसके पीने के बाद। तो इसे चावल का आटा है देख सकते हो, इसमें उस पेस्ट को डाल देना है, ये सेंधा का पेस्ट है जो अभी तोड़कर लाया हूँ मैं, उसी का पेस्ट को इसमें बनाकर डाल दिया हूँ मैं, और आटे में मिक्स कर देता हूँ, और मिक्स करने के बाद अभी रोटी बनाएंगे, और इसमें कुछ नहीं डालना है, और मिक्स हो गया है दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो। और इस पत्ते पर ना अभी हम डालने वाले हैं, इस पत्ते पर एक ही पत्ता डालना है दोस्तों, और एक ही साइड से पकाना है पत्ता, इस प्रकार से एक पत्ता लिया हूँ देख सकते हो, इस प्रकार से बनाना है। चाहे किसी प्रकार की भी पेट की समस्या हो आपको तुरंत ठीक मिलेगा, तो हमारे घर में हमारे माँ के लिए मैं इसे बना रहा हूँ, तो आपके साथ सबको शेयर कर रहा हूँ इस प्रकार से बनाना है आप सबको। और इसे मोड़ लेना है इस प्रकार से, और इसे सिलाई कर देते हैं, और इसे आग में पकाना है इस प्रकार से, पैक कर देते हैं अच्छे से,
पक जाएगा और पत्ता भी नहीं जलेगा। ये पत्ता है सराई का पत्ता है, ये सराई बोल देते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं, तो इसी का पत्ता बनता है खाना खाने के लिए। तो हमारे क्षेत्र में इसका पत्ता बनाते हैं और उसी में खाना खाते हैं, उसी का पत्ता है। तो इस प्रकार से बना लेना है आप सबको, और सिलाई करने के बाद आग में इसे पकाना है, एक ही साइड में पकाना है। किस प्रकार से पकाना है आप सबको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो वो ठीक हो ही जाएगा दोस्तों। पेट की जो सारी समस्या रहता है तो इसका प्रयोग कर लिए तो आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पेट दर्द के लिए तो कई लोग बहुत सारे रुपये खर्च कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ठीक रहता है और फिर बाद में वही का वही हो जाता है, पेट दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका प्रयोग कर लिए ना आप तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा आपके शरीर को, और दोबारा पेट दर्द कभी नहीं होगा। भूमि आंवला और इसका रोटी खा लिए तो इस प्रकार से आँच में पकाना है और ऊपर से इसे ढक देना है। एक ही पत्ता डाला हूँ मैं, और जब तक जल जाएगा पत्ता उतने टाइम तक ये पककर तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बनाना है आप सबको, और मैं इस काढ़े को देने के लिए जा रहा हूँ, माँ को इसके रस जो निकाला था उसे देने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इधर तो अभी नहीं है, कहाँ है तो इसे यहाँ पर। और दोस्तों रोटी बनकर तैयार हो गया है, जिस ये रोटी हम चूल्हा में बना रहे थे वो रोटी बनकर तैयार हो गया है। इधर माँ खा रहा है देख सकते हो, और पूछते हैं उसको उसका पेट दर्द ठीक है कि नहीं। दो तीन दिन हो गए, तीन खुराक हो गया है तो बहुत कम हो गया है बता रहे हैं, तो उसी से पूछते हैं तो कम हुआ है कि नहीं, तो उसे अब पूछने वाला हूँ मैं। चलो पूछते हैं अब। पत्ता देख सकते हो, पत्ता से लपेट कर पकाए थे, एक साइड में पकाना था बस एक ही पत्ता से, और रोटी पक जाता है। इस प्रकार से खा लिया है देख सकते हो आधा को, और पूछते हैं पेट दर्द कम हो इस कम हो इसे। और इसी प्रकार से खाना है एक पत्ता में बनाकर, तो आपका पेट दर्द रहेगा वो तीन ही खुराक में ख़त्म हो जाएगा। सुबह सुबह टाइम लेना है खाली पेट। तो इस प्रकार से रोटी बनाकर आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा काम।